राजस्थान में जारी राजनीतिक घमासान के बीच पायलट को मनाने की हो सकती है कोशिश। सरकार बचाने की कोशिश में जुटे गहलोत कर सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार। निर्दलीय विधायकों को भी मिल सकता है मंत्री पद। कांग्रेस से नाराज सचिन पायलट आज खोल सकते हैं अपने पत्ते। आज दोपहर को सचिन पायलट कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सचिन ने अभी तक कांग्रेस छोड़ने के नहीं दिए हैं संकेत। पायलट को कांग्रेस के युवा नेताओं का मिल रहा है समर्थन। आज होगी भारत यूरोपियन यूनियन की वर्चुअल समिट। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। इसमें कोरोना संकट के साथ साथ दुनिया के कई मसलों पर होगा मंथन। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली ये 15वीं कॉन्फ्रेंस। आज 10वीं के छात्रों का इंतजार होगा खत्म। CBSE 10वीं का रिजल्ट आज करेगी जारी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर दी जानकारी। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट। उत्तर प्रदेश सैनिटाइजेशन के लिए आज बंद रहेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में आज नहीं होगा न्यायिक कार्य। अब 20 जुलाई को सुने जाएंगे आज सुने जाने वाले मुकदमे। महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में आज से एक दर्जन रूटों पर 40 से ज्यादा बसों का होगा संचालन। अनलॉक प्रक्रिया का दूसरा चरण शुरू होने के बाद बढ़ाई गई बसों की संख्या। रोडवेज विभाग ने यात्रियों की मांग के अनुसार लिया फैसला। अभी तक सिर्फ 20 बसों का ही हो रहा था संचालन। आज से खुलेगा यस बैंक का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आधी कीमत पर शेयर खरीदने का बेहतरीन मौका। वित्तीय संकट से जूझ रहे यस बैंक ने FPO के जरिए की 15,000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की घोषणा। ये ऑफर 17 जुलाई को होगा बंद। पर्यटकों के लिए खुशखबरी। राजस्थान के जयपुर में पर्यटकों के लिए आज से फिर से खुलेंगी गेटोर और महारानियों की छतरियां। इन स्मारकों की यात्रा करने के दौरान पर्यटकों को सभी दिशा निर्देशों का करना होगा पालन। मास्क पहनना, नियमित रूप से हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा अनिवार्य। कोरोना संकट के बीच हिमाचल में आज से बंद होगी 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा। 1200 कर्मियों की जाएगी नौकरी। हिमाचल में सभी एम्बुलेंस का संचालन करती है GVK EMRI कंपनी। सरकार और कंपनी का करार 30 जून को ही हो चुका था खत्म। और देश के कई राज्यों में मानसून पूरी तरह से हुआ मेहरबान। राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना। वहीं मुंबई में अगले 48 घंटे में तेज बारिश को लेकर चेतावनी जारी।